हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि हम बायजूस के टैबलेट में कैसे पीडीएफ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बायजूस का आइकन दिख रहा होगा, फिर यहाँ पर ये तीन बिंदु इन थ्री पॉइंट्स में हमको क्लिक करना है। यहाँ पर हमें वाईफाई का ऑप्शन आ जाएगा, वाईफाई कनेक्शन। फिर यहाँ पर फिर से इन तीन बिंदुओं में ऐड नेटवर्क करना होगा, उसके बाद एंटर SSID। फिर यहाँ पर सेटिंग में हम क्लिक करेंगे, फिर रेट अस ऑन प्ले स्टोर यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर फिर हमें यस करना होगा, यस एंजॉइंग रेट अस ऑन प्ले स्टोर। फिर हमें डायरेक्टली हमें प्ले स्टोर खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्ले स्टोर से ये बैक करके ये बायजूस पहले से ही कुछ ऐप्स अलाउ करने वाला था लेकिन नहीं की, तो यहाँ पर हमें PDF वाला इसको अडोब को डाउनलोड करना है। सेम टू सेम इसी ऐप को हमें अपने मोबाइल में भी डाउनलोड करना होगा, इसके लिए दो डिवाइस लगेगी। मतलब फिर इस अडोब को ओपन करेंगे, मेरे पहले से ही इंस्टॉल है, आपको यहाँ से फिर इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसको ओपन करेंगी और यहाँ पे मेरे पास अब बहुत से PDF हैं इसके लिए। ये देखिए, ये मैंने सारे ही अपने मोबाइल से ही भेजे, मैंने मोबाइल में अपना अडोब स्कैन ये डाउनलोड किया था। फिर उसके बाद मैंने अडोब में ID बनाई और सेम ID से इसी में ही लॉगिन किया, और पासवर्ड आपको याद रखना होगा ज़रूर से ही। और फिर आप अपने मोबाइल में एंटर टू डॉक्यूमेंट क्लाउड, इसमें आप कोई भी PDF भेज सकते हैं, और फिर इसमें डॉक्यूमेंट क्लाउड से इसमें क्लिक कर लेंगे और फिर वाईफाई कनेक्शन कर लेंगे तो आपको PDF यहाँ पे दिखने लगेंगी। और डॉक्यूमेंट क्लाउड्स की किसी भी डॉक्यूमेंट को खोलने के बाद यहाँ मैं होम पर जाती हूँ, यहाँ पर हमें यहाँ से ये सेव टू डिवाइस कर लेना है, यहाँ सेव अ कॉपी ऑन दिस डिवाइस, तो ये सेव होने लगेगा। थैंक यू।